वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो है एक मिक्सचर में 5:6 का, और अगर उसमें 8 लीटर वाटर ऐड किया जाए तो रेशियो हो जाएगा 1:2। तो हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड करना है उस मिक्सचर में इन लीटर्स, जो कि हमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू, रेशियो है 5:6, तो हम लेट कर सकते हैं 5x लीटर्स। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ वाटर भी हो जाएगा 6x लीटर। अब 8 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है, सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज 5x डिवाइडेड बाय वाटर में ऐड किया जाएगा, यानी कि 6x प्लस 8, तो रेशियो जो हो जाएगा वो होगा 1:2। सो इज इक्वल टू 1:2 और 1/2 हम लिख सकते हैं। सो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो इससे हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क पता लगा सकते हैं, और 5x इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 8, और 5x इंटू 2 इज 10x माइनस 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और 4x इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सो हमें x का वैल्यू मिल गया है 2। क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमें पता लगाना था क्योंकि हम लोगों ने 5x लेट किया था, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 इज इक्वल टू 10 लीटर्स, जो कि बी ऑप्शन से मैच हो रहा है। सो बी करेक्ट होगा। थैंक यू।